हमें अभी तक सोर्स का पता नहीं चला है, लेकिन इन्फॉर्मेशन पक्की है। किसी मॉल के बाहर पार्किंग लॉट के पास एक गाड़ी खड़ी है, बम उसी में है। हमारे पहुंचने से पहले पुलिस वो जगह खाली करवा लेगी ताकि सब लोग सेफ रहे, किसी की जान को खतरा ना हो। चला किस टाइप का बॉम्ब है? इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, शायद जिसने इन्फॉर्मेशन दी उसे भी पता नहीं। क्या फर्क पड़ता है, वहाँ आसपास पैसे भी पब्लिक नहीं होगी, हम आराम से बॉम्ब डिफ्यूज कर सकते हैं, और नहीं भी कर पाए तो गाड़ी उड़ा देंगे। राइट, तैयार हो राधा जी? यस, इस बार तुम लीड करोगी। आर यू श्योर इसे इन्वॉल्व करना है? एक बार फिर से सोच लो, अगर बॉम्ब डिफ्यूज करते वक्त हम लोगों में से किसी की मौत हो गई तो इसे तो प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। राइट, वैसे भी दो हफ्ते हो गए तुम्हें स्क्वाड ज्वाइन किए हुए, कभी तो शुरुआत करनी है। आई एम रेडी सर। गुड, मैं वहाँ जाके जगह चेक करूंगा ताकि कहीं कोई और बम ना हो, और तुम तब तक वहाँ प्राइमरी सर्किट डिफ्यूज करना। अगर इमरजेंसी में विक्रम हमें जरूरत पड़ी बम ब्लास्ट करने की तो तुम जगह खाली कराओगे। राइट राइट, लेकिन ध्यान रहे वहाँ पब्लिक डरी हुई होगी, हमें शांत रहना है। वी हैव टू बी कूल एंड क्विक, लेट्स गो। विक्रम तुम पैरामीटर चेक करो। राधा, यू गो ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे जो कार है उन्हें चेक करो ठीक से। यस सर। ओके ओके, ऑल द बेस्ट, कम एंड क्विक। यू हैव टू बी क्विक। इट्स क्लियर विक्रम, उनको हटाओ। यस, it's clear. यहां भी ठीक है। सर बॉम्ब मिल गया। Good. काली गाड़ी के नीचे है। तुम सर्किट डिफ्यूज करना शुरू करो, मैं यहाँ देखता हूँ कोई और बम है क्या। सर कम से कम 50 मीटर का रेडियस खाली करवाना होगा। ओके, बम कैसा है? रेगुलर डायनामाइट यूज हुआ है, मैं डिफ्यूज कर दूंगी। आर यू श्योर? यस सर, 100%, आई एम कॉन्फिडेंट। गो अहेड, ऑल द बेस्ट। What happened? सर, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है सर। क्या हुआ? What happened? चारों तरफ अंधेरा लग रहा है सर। ये क्या कह रही हो तुम? राधा, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? सर मेरी उंगलियां फंस गई बम के वायर्स में, बम कभी भी फट सकता है। Oh God! सर help me! राधा cool, cool राधा cool! सर help me! राधा तुम कुछ भी मत करना, हम लोग आ रहे हैं। कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। Don't move राधा, हम लोग आ रहे हैं। राधा we are coming! सर help me! राधा we are coming! एसीपी सर ने कहा कि जब तक पता नहीं चल जाता कि ये बॉम्ब किसने और क्यों रखा है, मीडिया से कुछ भी मत कहना। देखा आपने जैसे की अभी सीआईडी वाले आए हैं और यहाँ सर यहाँ तो कोई एविडेंस नजर नहीं आ रहा है और लाश भी नहीं दिख रही है फॉरेंसिक लैब में ले जाने के लिए। सर मैं विक्रम, मैंने ही आप लोगों को यहाँ फोन करके बुलाया। विक्रम यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था और जिसकी मौत हुई वो कौन थी?
सर वो हमारी टीम मेंबर थी बॉम्ब स्क्वाड की, राधा। तुम्हें किसी ने फोन करके बताया था कि यहाँ बॉम्ब है? वो हमारी हेल्पलाइन पे एक इन्फॉर्मेशन आई थी और कोई नाम नहीं बोला उसने, बस ये कहा कि मॉल की पार्किंग लॉट में किसी गाड़ी में बॉम्ब है। तो बॉम्ब मिला? मुझे नहीं सर, राधा को मिला था और वो डिफ्यूज करने वाली थी कि ब्लास्ट हो गया और उसकी बॉडी के। राधा सीनियर थी तुम्हारी? नो, मंदार सर हमारे सीनियर है, लेकिन इस बार राधा ही लीड कर रही थी। इस बार राधा लीड कर रही थी, और मंदार सर वो कहाँ है? सर वो हॉस्पिटल में, उनको भी ब्लास्ट में चोट आई है जब वो राधा को बचाने के लिए उसकी तरफ भाग रहे थे। क्यों, क्या हुआ, क्या था वहाँ पे? सर अचानक वो कहने लगी कि उसे दिखाई देना बंद हो गया। क्या मतलब कि उसे दिखाई नहीं दे रहा? तो वो बॉम्ब डिफ्यूज कैसे कर रही थी? नहीं सर, पहले उसने कहा कि उसे बॉम्ब दिखाई दे रहा है और वो डिफ्यूज करने जा रही। सडन पता नहीं क्या हुआ, उसने कहा कि मुझे दिखना बंद हो गया और अचानक और गलती में बॉम्ब ट्रिगर कर गया। अचानक दिखना कैसे बंद हो गया? सर अगर लाश यहाँ पे होती तो ऑटोप्सी में पता चल जाता। राधा की लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट होगी आपके पास? मेडिकल वगैरह तो कराते रहते होंगे ना आप लोग? जी वो चाहिए। ओके सर। और तुम्हारे हेल्पलाइन पे जिस नंबर से कॉल आया था उसकी रिकॉर्डिंग तो की होगी? हाँ सर, मैंने वो मंगवा भी लिया था, मुझे पता था कि आप लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी। और ये सर। हेलो। हाँ हेलो। हेलो, वो मॉल के पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी, उसमें एक बॉम्ब है, आप लोग जल्दी आ जाइए। बोल कौन रहे हैं? बहुत लोग मारे जाएंगे, बॉम्ब को फटने से रोकना होगा। कौन बोल रहे हैं? प्लीज आप लोग जल्दी आ जाइए प्लीज। तो ये कॉल ट्रेस किया कहाँ से आया था? नहीं सर, कॉल तो ट्रेस नहीं कर पाए सर। यानी फोन करने वाला ये नहीं चाहता था कि किसी को उसके बारे में पता चले। और ऐसा अक्सर तभी होता है जब कोई जानबूझ के ऐसा कर रहा हो। क्या मतलब? मतलब ये फोन कॉल शायद राधा को जान से मारने की साजिश थी। अच्छा वो बॉम्ब कैसा था कुछ बता सकते हैं? हाँ सर, वो राधा बता रही थी कि वो एक हैंडमेड बॉम्ब है, नॉर्मल डायनामाइट, और उसने मुझसे 50 मीटर रेडियस का एरिया खाली कराने को बोला था। सर शायद उस बॉम्ब में ही ऐसा कुछ था जिसकी वजह से राधा को दिखना बंद हो गया था। एक काम करते हैं, यहाँ जो भी एविडेंस है ये सब फॉरेंसिक लैब लेके चलते हैं, देखते हैं शायद सालुंके साहब हमारी कुछ मदद कर पाए। हाँ सालुंके, कुछ मिला? अरे बस मिलने के लिए कुछ होना चाहिए ना, ना बॉडी है ना बॉम्ब है, ये कुछ चीथड़े हैं। और आप पूछे हो कुछ मिला क्या? सर ये जो राधा की मेडिकल रिपोर्ट थी उससे कुछ पता चला, आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ और? नहीं नहीं, आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई साइट 20/20 है बॉस। और ये MRI स्कैन ये भी क्लियर है, बाकी के सारे टेस्ट भी क्लियर है एकदम। सर तो हो सकता है ना कि टेस्ट करवाने के बाद उसे कुछ हुआ हो? देखो राधा ने स्क्वाड 2 हफ्ते पहले ज्वाइन किया और ये रिपोर्ट 2 हफ्ते पहले की। अब 2 हफ्ते में तो ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती जिससे आंखों पर इतना तगड़ा असर हो जाए। सालुंके साहब शायद टेंशन की वजह से हुआ हो, वो बॉम्ब डिफ्यूज करने के वक्त कभी कभी आंखों के सामने डर के मारे अंधेरा छा जाता है। नहीं 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 रेडी, देखो इस स्क्वाड में ये उसका पहला एक्सपीरियंस जरूर था, लेकिन इससे पहले जिस स्क्वाड में वो थी वहां तो उसने 3-4 बॉम्ब डिफ्यूज किए है ना, तो डरेगी तो नहीं ना यार वो। और सर उसका सामान चेक किया, ये भी सब क्लियर है? यार ये सब क्लियर है कुछ भी नहीं मिला, ये कैसे हो सकता सालुंके? बॉम्ब को देखकर कुछ तो पता चला होगा। हाँ बस इतना पता चला है कि ये बॉम्ब किस किस्म का है, डायनामाइट है, और ये भी पता चला है कि किस चीज से बनाया गया। किससे सर? साबुन से। साबुन? क्योंकि साबुन भी एक पोटेंशियल बॉम्ब होता है, उसमें वो इंग्रेडिएंट मौजूद होता है जो अगर ढंग से पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाए तो डायनामाइट बन सकता है। मतलब फर्म के तेरे कहने के मुताबिक बॉम्ब बनाने वाले ने एक साबुन खरीदा और उस साबुन में से वो इंग्रेडिएंट निकाल लिया। एक नहीं बॉस, ढेर सारे साबुन। फिर कौन सा साबुन था वो? कौन सा साबुन हो सकता है? वो ऐसा साबुन होगा बॉस जिसमें रिंस लाइक की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। तब पता लगाना पड़ेगा बाजार में ऐसा कौन सा साबुन है जिसमें ये रिंस लाइक सबसे ज्यादा मिलता है। सही कहा सर आपने, नॉर्मली हमेशा मैं ही लीड करता हूं। तो फिर राधा ने ऑपरेशन क्यों लीड किया?
सर, सीनियर होने के नाते मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने जूनियर्स को तैयार करूं। तो इसका मतलब है सिर्फ तुम जानते थे कि बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए सिर्फ राधा जा रही थी। आपका मतलब कि आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने राधा को? नहीं मंदार जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है किसने किया होगा? कोई ऐसा जिसे तुम्हारी टीम से कोई तकलीफ या दुश्मनी हो? सर, बहुत से लोग हैं जो बम ब्लास्ट करना चाहते हैं और हम उनकी प्लानिंग फेल कर देते हैं, तो ऐसे में हमारे दुश्मन बनना बहुत आम सी बात है। किसी पे शक है तुम्हें? हाँ सर, तीन लोग हैं। कौन? सबसे पहले गिरी, राधा का ट्रेनर। सर, बॉम्ब स्क्वाड में वो राधा को ट्रेन करता था। राधा की गलती की वजह से उसकी आंखें चली गई, इसके लिए वो राधा को जिम्मेदार समझता है। मैं खून करूंगा। एक आदमी जो देख नहीं सकता वो खून करेगा? तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि तुम हल्का हल्का देख सकते हो। सिर्फ कहने के लिए, धुंधले धुंधले कलर्स के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। जो आदमी साफ देख नहीं सकता वो बॉम्ब कैसे बना सकता है? तुम्हारी आंखों की रोशनी राधा की गलती की वजह से गई। तुम्हें राधा पर गुस्सा आया होगा और उस गुस्से में आकर तुमने राधा को मार दिया। राधा ने ग्राउंड पे एक लाइफ बॉम्ब छोड़ दिया था, उसे बचाने के चक्कर में मैं अपनी आंख खो बैठा। अगर मुझे इतनी ही मेरी फिक्र होती तो मैं राधा को कभी नहीं बचाता। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो हम आपको दोबारा बुला लेंगे। और दूसरा राकेश सर, बहुत साल पहले कंट्रोल ब्लास्ट करते वक्त उसे चोट लग गई थी और उसके लिए वो मुझे जिम्मेदार समझता है। उसने स्क्वाड पर तो केस भी कर दिया था। राकेश, उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर, 3 साल पहले की बात है। हमें किसी ने फोन करके खबर दी थी कि बिल्डिंग में बॉम्ब है। मैं तो बिल्डिंग में ही फंसा था, स्टोर रूम में लगातार 36 घंटों से काम कर रहा था। सर, मैं इतना थका था कि स्टोर रूम में ही नींद आके मैं वहीं सो गया था। हम बम डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था। मजबूरन हमें बिल्डिंग खाली करवानी पड़ी और मैं उस वक्त नया था और जल्दबाजी और जोश में ब्लास्ट करवा दिया। पूरी तरह से बिल्डिंग को चेक नहीं किया। नीचे स्टोर रूम में जहां राकेश था हम देख नहीं पाए। और उस ब्लास्ट में तुम्हें चोट लगी थी, राइट? नहीं तो ज्यादा चोट नहीं लगी थी। अच्छा, अगर तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था तो फिर तुमने बॉम्ब स्क्वाड के ऊपर केस क्यों किया? सर, मैं छोटी मोटी नौकरी करता हूँ सर। मैंने सोचा अगर केस कर डालू तो बैठे बिठाए थोड़े पैसे बना लूंगा। मतलब तुम्हें अभी कोई शिकायत नहीं है उनसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा उन्होंने मुझे 3 दिन छुट्टी तक दी थी। और तीसरा किशोर सर, वो हमारी टीम में था, पिछले महीने ही मैंने उसे स्क्वाड से निकाला और उसकी जगह राधा को रखा था। तो मुझे लगता है कि राधा से और मुझसे सबसे ज्यादा नफरत वही करता है। 2 घंटे में चाहिए मुझे, जाओ। मंदर, 1 मिनट, ये देखो, बहुत जरूरी है। क्या हुआ? क्या ये? किशोर की मेडिकल रिपोर्ट्स। What the hell is this, किशोर? पिछले मिशन में तुम ड्रग्स लेकर आए थे, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जान जोखिम में आ सकती थी। I'm so sorry, sir. दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। Shut up! शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूँ। किशोर, जब तक तुम्हारी ड्रग्स की अलग छूट नहीं जाती मैं तुम्हें अपनी टीम में नहीं रख सकता। You're fired now. Get out! उनको लगा कि मैं काम का प्रेशर झेल नहीं पा रहा हूँ और ड्रग्स की मदद ले रहा हूँ। बस मंदार ने मुझे काम से निकाल दिया। और फिर कुछ ही दिनों में तुम्हारी जगह ले ली राधा ने। तुम्हारा खून खौल उठा, तुम गुस्सा करने लगे राधा पर। नहीं सर, गलती तो मेरी ही थी। मंदार ने तो वही किया जो उसके ड्यूटी ने बोला।
मैं अपने जॉब को वापस पाने के लिए जो भी लीगली कार्रवाई कर सकता हूँ कर रहा हूँ। और मुझे दादा से भी कोई तकलीफ नहीं थी कभी भी। अच्छा ठीक है, अभी तुम जा सकते हो, शहर छोड़ के मत जाना। अभिजीत, ये बिना किसी सबूत के ये पता लगाना कि इनमें से कौन सच बोल रहा है कौन झूठ जरा मुश्किल है। सारुंखी, आप बोल सारुंखी। बस पता चल गया कि वो बॉम्ब कौन से साबुन से बना था। नाम बता जल्दी। ग्लो नाम है उस साबुन का, और बस उसमें भी जो सबसे ज्यादा खुशबू वाला ग्लो साबुन है उसमें केमिकल सबसे अधिक मात्रा में है। बस थैंक यू सारुंखी, ग्रेट वर्क। एक बॉम्ब ब्लास्ट में हुई मौत के बारे में कुछ पूछने आए हैं आपसे। बॉम्ब? सर बॉम्ब से मेरा क्या लेना देना? हमेशा क्या कि वो बॉम्ब आपके ब्रांड के साबुन से बनाया गया है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? सर मैं एक सीधा साधा ईमानदार बिजनेसमैन हूँ, और अगर ये बात मार्केट में फैल गई मेरा तो बिजनेस। देखिए आप घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम जानते हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बस हमें थोड़ी सी डेटा और इन्फॉर्मेशन चाहिए। कैसी इन्फॉर्मेशन? यही आपके जो लोकल रिटेलर्स हैं उनमें से किसी ने अचानक बहुत सारा स्टॉक मंगा लिया हो। ये क्या? क्या हुआ, कोई गड़बड़ है? एक सुपरमार्केट है जिसे हम माल सप्लाई करते हैं, लेकिन उसने अपना रेगुलर स्टॉक दो हफ्ते पहले ही मंगवा लिया था। उसका पूरा स्टॉक खत्म हो गया था इसलिए। उसके अलावा बाकी पूरे महीने के सेल्स बिल्कुल नॉर्मल है। जरूर किसी ने होलसेल में सारा स्टॉक खरीद लिया होगा, तभी दो हफ्ते पहले खत्म हो गया। जिसने भी ये खरीदा है हमारा खूनी वही है। हो सकता है सर, अक्सर लोग यहाँ बल्क में माल खरीदते हैं, ग्लो सोप का भी बल्क सेल जरूर हुआ होगा। फिर तो आपके सिस्टम में रिकॉर्ड भी होगा ना उसका? ऑफ कोर्स होगा, अगर बल्क में ही उसने माल खरीदा होगा तो पेमेंट भी कार्ड से किया होगा, तब तो उसका नाम और डेट दोनों होगा। ये देखिए सर, ये ग्लो सोप का एक बल्क सेल हुआ है। हमें इस काउंटर के ऊपर जो कैमरा है ना वो वाला, इसकी सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है। सर चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा है। सर मगर सिक्योरिटी गार्ड ने तो देखा ही होगा ना इसे। चलो इसी से चल के पूछते हैं। नहीं सर कुछ याद नहीं सर। अब इतने हाथ पैर मारने के बाद एक आदमी मिला, उसका चेहरा किसी ने देखा नहीं, अब उसे ढूंढेंगे कैसे? सालों के सर, वो आदमी जिसने बल्क में साबुन खरीदा था ना बॉम्ब बनाने के लिए, उसकी सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, मगर एक प्रॉब्लम है, उसकी शक्ल नहीं दिख रही और ना ही किसी ने देखी है। अब तो बस एक ही तरीका है केस सॉल्व करने का, राधा की आंखों को क्या हुआ था पहले ये पता करना पड़ेगा। अरे यार वही पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कब से। रुके सर, ये डायनामाइट, अरे ये फट जाएगा, पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी, ये क्या कर रहे हैं आप? बिल्डिंग फटेगी या नहीं फटेगी मेरा सर जरूर फट जाएगा यार। शोर मत मचाओ यार। यार हमने कब शोर मचाया? चुप। एक मिनट सर, मैं ये डायनामाइट के साथ क्या कर रहे हैं सर? ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ पंकज के उस रोज राधा को अचानक दिखना बंद क्यों हो गया था, और इसके लिए मुझे इस डायनामाइट के धुएं का साइड इफेक्ट चेक करना था। ओ, तो फिर सालू के साहब आपने सारा का सारा धुआं अंदर ले लिया? हाँ, और क्या हुआ? मेरा सर फट रहा है यार, प्लीज। सर फटेगा ही ना, ये डायनामाइट है। वहां खड़े हो जाओ, जाके चलो वहां खड़े हो जाओ, चुपचाप वहां खड़े हो जाओ, पीछे 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 पीछे। जब देखो कोने में खड़ा कर देते हैं यार। पता नहीं यार ये एसीपी क्यों भेज देता है इनको यार। रख दो। ठीक है, तुम मंदार को बोलना मैं जल्दी वापस लौटा दूंगा।
ये क्या मंगवाया सर? बॉम्ब है? बॉम्ब नहीं है फ्रेडी, बॉम्ब सूट है, बॉम्ब सूट। ये सब क्या है? देखिए सालों के साथ आप बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं। सर हमें लग रहा है कि हम लोग आपको डिस्टर्ब करें। ये बॉम्ब डिफ्यूज कर लो आप, इसके बाद हमें बुला लेना। चलो चलो। रुको, कुछ नहीं होगा। ये बॉम्ब असली है लेकिन इसका ट्रिगर असली नहीं है। मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि राधा जब इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर रही थी तो ऐसा क्या हुआ कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। समझे? कुछ नहीं होगा, खड़े रहो चुपचाप। ये सारा सामान राधा का? हाँ सर। आंखें आंखें आंखों में कुछ गड़बड़ है। बॉम्ब स्क्वाड का लीडर मंदार है। हाँ। सारे ऑपरेशंस वही लीड करता है। हाँ सर, मगर इस बार राधा लीड कर रही थी। राइट। ये बॉम्ब राधा के लिए नहीं है। सालों के साथ फिर किसके लिए? मंदार, उसका असली टारगेट मंदार है। जैसा कि हमेशा होता है, एक आदमी पैसेंजर के जैसे बस में चढ़ता है, बैग रखता है और चला जाता है। दूसरे पैसेंजर को शक हो गया था और पीछे से आवाज देने पर भी नहीं रुका था वो। इस बार मैं लीड करूंगा। सब लोग अपना अपना मोबाइल निकाल लो, स्विच ऑफ द मोबाइल। नॉट रीचेबल, नॉट रीचेबल। फोन को हुआ क्या सर? मंदार का फोन ही नहीं लग रहा है। फोन स्विच ऑफ करके रखा होगा। बॉम्ब साइट के आसपास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है। अब कैसे बताएं उसे? उस विक्रम को फोन ट्राई करो। सर उसका भी फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। बॉस हमें हर हाल में मंदार को वॉर्क करना पड़ेगा यार। लेकिन सरण के तुझे लैब में क्या मिला ये पहले बता। उस रोज राधा को क्या हुआ था ये जानने के लिए मैंने बॉम्ब स्क्वाड का सूट खुद पहना, तो थोड़ी देर बाद मुझे पसीना आने लगा और देखने में परेशानी होने लगी। बॉस राधा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। इस परेशानी से बचने के लिए जरूर उस रोज राधा ने भी कोई न कोई आईड्रॉप जरूर डाला होगा ताकि उसे दिखाई दे सके। ओ, लेकिन सर राधा के सामान में हमें वो आईड्रॉप तो नहीं मिला। हाँ नहीं मिलेगा दया, क्योंकि उस रोज राधा लीड करने वाली नहीं थी, मंदार लीड करने वाला था। फिर मुझे लगता है इसीलिए राधा ने अपना आईड्रॉप नहीं लिया और उसने मंदार का आईड्रॉप यूज किया बिना मंदार को बताए हुए। सलाइन आई ड्रॉप तो नॉर्मल है, उसे लाखों लोग इस्तेमाल करते। हाँ फ्रेडी, लेकिन शायद ये आई ड्रॉप बॉस नॉर्मल नहीं था यार। लेकिन सड़के ये आई ड्रॉप्स कौन से थे ये तो बता। बॉस चश्मे का नंबर पता करने के लिए जो डॉक्टर लोग डालते हैं डायलेशन आई ड्रॉप, मुझे लगता है ये वही डायलेशन आई ड्रॉप था जिससे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। माय गॉड, तो फिर दया किसी ने मंदार के सलाइन आई ड्रॉप की जगह पर डायलेशन आई ड्रॉप्स की बोतल रख दी। बिल्कुल, और मंदार को पता ही नहीं चला क्योंकि उस दिन मंदार लीड करने वाला ही नहीं था, राधा लीड करने वाली थी। हम समझ रहे थे कि ये राधा को मारने की साजिश थी, पर उसका असली टारगेट तो ये मंदार ही था। था नहीं दया, था नहीं, है, है। मंदार अभी भी टारगेट है क्योंकि वो डायलेशन आई ड्रॉप लेकर के घूम रहा है।
पीछे हो जाओ। विक्रम, I got the bomb. Okay. कितना payload होगा? 15 meter distance. Copy. Back. विक्रम, रुको! मंदार की जान को खतरा है। What? रोको उसे। मंदार है कहाँ? Inside the bus. उसने वो आईड्रॉप यूज़ किया? हाँ, वो जब भी टीम लीड करता है, आईड्रॉप यूज़ करता है। पर बात क्या है? मंदार, can you hear me? मंदार, मैं ऐसे भी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। मंदार, अभी क्या भी बाहर निकलो? अभी, इसी वक्त। मंदार। विक्रम, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। What? ये एंटी डायलेशन ड्रॉप्स है बॉस, इससे मंदार को दिखाई देने लगेगा, लेकिन जल्दी करनी पड़ेगी। मंदार, can you hear us? मंदार, एक मिनट सर, मैं देखता हूँ। नहीं सर, जान को बिताओ। तुम कहाँ जा रहे हो? सर, युक्त सर, नहीं सर, नहीं सर, विक्रम, विक्रम, come help me! मंदार, मंदार, कौन है? मैं इंस्पेक्टर दया। दया, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम जाओ यहाँ से, यहाँ खतरा है। अरे मंदार, तुमने आंखों में गलत आई ड्रॉप डाला है, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अरे दया, तुम जाओ यहाँ से। मैं ये आई ड्रॉप लेके आया हूँ, इसे डालो, साफ दिखाई देगा। सर ऊपर करो। एक मिनट, हिलना नहीं। दया, क्या कर रहे हो तुम? यार, आई ड्रॉप डाल दो, साफ दिखाई देगा। ओके, हाँ खोलो, जल्दी डालो। हाँ, माय गॉड, वो क्या रहा है अंदर? दया, अरे दया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ठीक है, मेरा हाथ फायर में फंसा, ये खतरनाक बम है। ओके, ओके, कुछ नहीं होगा, तुम्हें दिखाई दे रहा है? अब बेटर है। एक मिनट। ओके, फाइन, जल्दी जाओ तुम यहाँ से। दया, निकलो यहाँ से। दया, क्या हुआ? तुम ठीक हो रहे? हाँ सर। और मंदार? इज ओके, आई ड्रॉप डाल दिया, दिखाई दे रहा। तो फिर बाहर क्यों नहीं लेकर आए उसे? सर, वो बॉम्ब डिफ्यूज कर रहा है। ओह गॉड, मंदार, तुम ठीक हो? मंदार, तुम रोते क्यों हो यार? अरे सही सलामत तो हो? राधा मेरी वजह से मर गई सर। अगर मैंने उसे उस दिन लीड करने को नहीं कहा होता तो राधा आज हमारे बीच जिंदा होती। नहीं मंदार, देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छा काम किया तुमने। चलो चलो। एक बात तो साफ है सर, इन तीनों में से जिसने भी वो बॉम्ब लगाया वो राधा के लिए तो नहीं था, मंदार के लिए बॉम्ब लगाया था।
सर यानी ये गिरी तो नहीं हो सकता क्योंकि इसे मंदार से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो बच्चे ये दोनों किशोर और राकेश। सर ये राकेश ही होगा सर, ये हमें दिखा रहा था कि इसे गुस्सा नहीं आता है मगर अंदर से ये भरा पड़ा था गुस्से से, इसी ने किया होगा। नहीं 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 ये नहीं हो सकता, ये तो एक नंबर का डरपोक इंसान है। सर ये किशोर होगा, टीम से निकाला गया, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका, ले लिया बदला। किशोर और राकेश, इन दोनों में से खूनी वही है जिसने मंदार के आई ड्रॉप बदल दी। अब सोचना ये है कि इन दोनों में से वो कौन है जो बड़ी आसानी से बॉम्ब स्क्वाड के ऑफिस में आ जा सकता है, राकेश या किशोर। मंदार जी आपने अपना आई ड्रॉप आखिरी बार कब यूज किया था? 2 हफ्ते पहले, उसी दिन राधा ने हमें ज्वाइन किया था और एक मॉल से बम का अलर्ट आया था जो कि फॉल्स निकला। तो उस दिन आई ड्रॉप डालने के बाद आपको देखने में कोई तकलीफ हुई थी? जी उस दिन मैंने आई ड्रॉप यूज किया था लेकिन तकलीफ कुछ नहीं हुई। मतलब उस दिन और राधा की मौत वाले दिन के बीच में किसी ने आपका आई ड्रॉप बदल दिया है। कौन कर सकता है ऐसा? हमें किशोर पे शक है। किशोर पे? जी हाँ, क्योंकि वही एक ऐसा आदमी है जो आसानी से बॉम्ब स्क्वाड के ऑफिस में आ जा सकता है। बाय द वे आप अपना आई ड्रॉप रखते कहाँ पे? जी लॉकर रूम में। ये सीसीटीवी कैमरा, इसकी फुटेज देखनी है हमें पिछले 2 हफ्तों की। एक मिनट जरा रिमाइंड करो उसको। क्या हुआ सर? ये आदमी क्लीनिंग वाला ट्यूसडे को दूसरी बार भी आया, 2 बार देखो। हाँ सर, 3 घंटे में तो 2 बार आ चुका है, वैसे तो वो सिर्फ एक ही बार आता था। ये दूसरा क्लीनर ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के अपना चेहरा कैमरा से छुपा रहा है और इसकी हाइट बॉडी भी पहले वाले से मैच नहीं होती। एक बार भी इसने अपना मुंह कैमरे की तरफ नहीं किया। राधा ने किशोर को पहचाना क्यों नहीं? क्योंकि राधा के स्क्वाड ज्वाइन करने से पहले मैं किशोर को और निकाल चुका था। आप लोग यहाँ पे? तेरा टायर पंचर करने आया तो चले ससुराल। ससुराल मतलब? मतलब एक मर्डर के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। मर्डर? मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मैं तो यहाँ पे। अच्छा, तो फिर वो कौन था जो बॉम्ब स्क्वाड के हेडक्वार्टर्स में घुसा था, जिसने मंदार के आईड्रॉप्स बदले थे, जिसका चेहरा हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा था? तुमने फिल्मी हीरो की तरह बड़ी होशियारी से कैमरे से अपना मुंह तो छुपा लिया, लेकिन हाँ अरे किस्मत, तुम्हें पता ही नहीं था कि वहाँ पे एक और भी कैमरा है। अरे हाँ, इसे कैसे पता होगा, इसे तो टीम से निकाल देने के बाद वहाँ पे कैमरा लगाया गया था। मैंने किसी का खून नहीं किया सर, मेरा विश्वास करो। मैं उस दिन हेडक्वार्टर गया था लेकिन मैंने मंदार के आई ड्रॉप्स को हाथ भी नहीं लगाया। तो फिर वहाँ पे क्या करने गए थे तुम? अपना ब्लड रिपोर्ट चुराने, जिसमें ये आया था कि मैं ड्रग्स लेता हूँ। बको मत, वो रिपोर्ट तुम्हारे किस काम की? उन लोगों के पास मेरे खिलाफ वही एक सबूत था सर, मुझे लगा कि अगर वो मेरे हाथ लग गया तो मैं उनके ऊपर केस करके अपना जॉब आसानी से हासिल कर सकता हूँ। मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं सिर्फ वो ब्लड रिपोर्ट ही चुराने गया था सर। वो रिपोर्ट कहाँ है अभी? मेरे पास में, मेरे घर पर। सर अब तो हमारे पास सबूत भी है कि किशोर इलीगली हेडक्वार्टर में घुसा था। बड़ा ही चालाक है किशोर, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है वो। सर पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो हमें डबल क्रॉस कर रहा है। और करके फायदा भी क्या होगा, अभी झूठ बोलेगा वापस कोर्ट में फंस जाएगा। सर वो तो ये भी कह रहा था कि वो क्लीनिंग स्टाफ वाला बनके वहां आया ही नहीं था, बल्कि खिड़की कूद के वहां घुसा था। खिड़की से अंदर घुसा क्योंकि उसे पता था कि वो खिड़की ठीक से लॉक नहीं होती है। और सर मंदार और विक्रम के हिसाब से वो रिपोर्ट हेडक्वार्टर से चोरी तो हुई है।
झूठ बोल के कंफ्यूज कर रहा है वो हमें, ताकि पकड़ा जाए तो बोल दे कि रिपोर्ट चोरी करने गया था। फ्रेडी, अगर उसे मंदर को मारना ही था तो वो अपनी रिपोर्ट क्यों चुराएगा? उसे पक्का मालूम है कि रिपोर्ट चोरी हो गई तो शक उसी पे जाएगा। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन हेडक्वार्टर्स में एक नहीं दो लोग उसे? सर, एक तो वो क्लीनिंग स्टाफ और दूसरा खिड़की से। हो सकता है अगर किशोर खिड़की में से घुसा था तो फिर दूसरा कौन था? सर, फिर तो एक ही आदमी बचता है, राकेश। लेकिन राकेश के पास तो ऐसी कोई खास वजह थी नहीं सर, उसने तो सिर्फ कुछ पैसों के लिए सब किया था। वैसे राकेश का कुछ खास नुकसान भी तो नहीं हुआ, छोटी मोटी चोटें आई और फिर ऐसा था ही नहीं कि उस ब्लास्ट में उसने अपनी, ओह माय गॉड, माय गॉड, क्या हुआ सर? अभिजीत सच तो हमारे सामने है लेकिन हम देख नहीं पा रहे थे। मतलब सर? ये मतलब राकेश ही समझाएगा। सर, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मैं बस पैसों की लालच में आकर यह सब कर रहा था, इतनी सी बात को लेकर मैं किसी का खून क्यों करूंगा सर? राकेश, इतनी सी बात तो वो थी जो तुमने हमें बताई, जो नहीं बताई उसका क्या? अरे सर, आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपको लगता है खून मैंने किया तो प्लीज बताइए खून मैंने कैसे किया। चलो अभी बताता हूं, अब अपना मुंह खिड़की की तरफ करके खड़े हो जाओ। क्या कहा आपने सर? मैंने कहा अपना मुंह खिड़की की तरफ करके खड़े हो जाओ, पीठ मेरी तरफ। सबूत चाहिए ना तुम्हें? तो अभी मिल जाएगा, खड़े हो जाओ। राकेश, ये खून तुमने किया है। राकेश, ये खून तुमने किया है। क्या हुआ सर? मैंने तुमसे कहा कि ये खून तुमने किया है, बोल के सुनाया पर तुम सुन नहीं पाए, और फिर सुनते भी कैसे? उस ब्लास्ट में उन छोटी मोटी खरोंचों के साथ, चोटों के साथ तुम्हारी सुनने की शक्ति भी निकल गई, खत्म हो गई सुनने की शक्ति तुम्हारी। और इसीलिए उस मॉल जब उस सिक्योरिटी वाले ने तुमसे कुछ कहा तो तुम्हें समझ नहीं आया, उसी तरह जैसे राधा ने जब कहा कुछ तब भी तुम नहीं समझे, क्योंकि तुम्हारी पीठ राधा की तरफ थी, और जब राधा तुम्हारे सामने आए तो तुमने उसका लिप रीडिंग किया, उसकी होठों की मूवमेंट से समझ लिया कि वो क्या कहना चाहती थी, और फिर जब हेल्पलाइन पर तुमने कॉल किया तो धार बोलकर अपनी बात खत्म कर दी, इसलिए क्योंकि सामने से जो ऑफिसर क्या कह रहा था वो तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा था। क्यों? मैं सही कह रहा हूं ना, ये खून तुमने ही किया है ना? हाँ, मैंने ही खून किया है। अब मैंने ही लगाया था बॉम्ब, बदला लेना था मुझे मंदार से, उसकी वजह से बहरा हुआ हूं मैं। कोर्ट ने भी मेरी केस डिसमिस कर दी, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी मैंने डिसाइड किया, तेरे कसम खाई कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका बदला मैं खुद लूंगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मंदार वो आई ड्रॉप यूज कर रहा था? कुछ हफ्तों पहले मैंने उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके बॉम्ब के बारे में झूठी खबर दे दी। मंदार भी आ गया अपनी टीम को लेकर वहां पे, मैं उनका काम गौर से देख रहा था, तभी मैंने देखा मंदार अपनी आंखों में वो आई ड्रॉप्स डाल रहा है, और मैं समझ गया
मुझे क्या करना चाहिए। मेरे बदले को अंजाम देने का रास्ता मुझे मिल गया था। तुम्हारे बदले की जिद ने एक मासूम लड़की की जिंदगी छीन ली, जो अपनी जान खतरे में डाल के लोगों की जान बचाया करती थी, उसको मार दिया तुमने। बहुत गलत किया तुमने राकेश, कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.